Thank you everyone. Welcome to my YouTube channel. May you guard it. Inshallah, I'm Sablok TK, Kharit Songi, Shukra Allah Kam, may be Tiko. आज मैंने आप लोगों को क्या दिखाना है, आज मैंने आप लोगों को अगर आप लोग एज ए टूरिस्ट तुर्की आया, तुर्की में आप लोग ने कौन सा जगह जा सकती है, कौन से फेमस प्लेसेस है और हिस्टोरिकल प्लेसेस है और इधर ही का एरिया, मौसम, खाना पीना, मैं आप लोगों को आज बस ये प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। आज मेरे साथ एक सबसे यूट्यूबर भी है, हैशटैग अनीस, और वो भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएगा। हम आज साथ साथ सारी जगह फिरेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड देन लेट्स स्टार्ट। अभी हम हमारी फर्स्ट प्लेस एमिनुनी है। एमिनुनी एक्चुअली यू नो एज ए हिस्टोरिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा जगह है। ये आप लोगों इधर देख सकती है, मॉस्क्स भी है, इधर ग्रांड बाज़ार भी है। अभी मैं ग्रांड बाज़ार के अंदर भी जाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। इधर एक सस्ता यूट्यूबर है, छोड़े, ये मॉस्क है, ये एक मॉस्क इधर ही है, एक मॉस्क भी इधर ही है, बिल्कुल एमिनुनी में। अगर आप लोग देखना चाहती हैं, इधर गलत टावर है, मुझे समझ नहीं आता नज़र आती है या नहीं। इधर बिल्कुल एक गलत टावर भी है, तकसीम में काफ़ी नज़दीक है। अगर आप लोगों ने एज ए टूरिस्ट आना चाहती है, आई प्रेफर यू गाइस टू कम एमिनुनी टू स्टे हियर, बिकॉज इट्स एमिनुनी मैदान स्क्वायर है, तकसीम में बहुत नज़दीक है, ब्लू मॉस्क में बहुत नज़दीक है, बहुत क्राउडेड एरिया है और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल एरिया। अभी हम जा रहे हैं कि दुनिया की सबसे फर्स्ट बाज़ार, ग्रैंड बाज़ार। ये बहुत बड़ा है, ग्रैंड बाज़ार की बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट किस्म से एंट्री गेट है, इसलिए बहुत बड़ा है। ये फर्स्ट एंट्री है। अभी वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड ऑफ द ग्रैंड बाज़ार। अभी हम बाज़ार की एंट्रेंस किया हुआ है ना अनीस, ये असली गोल्ड है, बिल्कुल रियल है। प्राइसेस भी ऑलमोस्ट, प्राइसेस भी काफी ज्यादा महंगा है, ऊपर लिखा होता है प्राइसेस इनके। नहीं प्राइसेस नहीं, वो कितना, नहीं नहीं नहीं, अभी साथ में प्राइस, हाँ सॉरी, हाँ, ये प्राइसेस नहीं है। एक्चुअली इस बाजार में आप लोग काफी ज्यादा ज्वेलरी लाइक इन रियल वन देख सकती हैं, बहुत ज्यादा है। और अगर आप लोगों ने इधर ही, आप लेडीज इक्विपमेंट दिखाएं और मैं जेंट्स इक्विपमेंट दिखाता हूं। हाँ चले। एक्चुअली इस बाज़ार में अगर आप लोगों ने शॉपिंग करना चाहती हैं, आप लोग इस बाज़ार पर आ सकती हैं। बहुत ही बड़ा जगह है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट किस्म से एंट्रेंस है भी है, लाइक इसकी अंदर बहुत बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, इससे बहुत डिफरेंट 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 किस्म की यू नो परफ्यूम्स होती हैं। ये ओटोमान इन्वेस्टमेंट की तरफ से, तो उस्मान खिलाफत के ज़मान से भी ये बाजार था। इधर डिलाइट्स है, या इफ यू वांट टू डू गिफ्ट टू समवन यू शुड कम हियर, एंड दिस इज़ द की चेन, traditional keychain of the Istanbul, and this is the Hagia Sophia. Agar aap logon ne, yeah, main aap logon ko ek aur bhi information do. Actually aise coffee ka glasses hoti hai na, ye Turkish coffee ke liye hai, bas hum isme bas Turkish coffee peete hai, extra koi cheez nahi hota, we don't drink anything else. Bahut different kism ki you know traditional जगह है। या दिस इज़ फॉर द यू नो तुर्किश तुर्किश ग्लास के लिए, तुर्किश चाय के लिए इसका स्पेशल यू नो ग्लास है। Gösterebilir miyiz? Evet, o yüzden gösteriyorum ya. Ya. Bir daha bir görüşelim izinleri. This is for the Turkish chai. This one is, bu ne için? Yeah, this is for the Turkish coffee. İçeri de girelim o zaman. Let's go inside. Okay. These are the dry fruits. As you can see. My name is Enes.
Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Do you want to say something to my subscribers? Onlara hepsine selamımız var. In English, in English. Söylemem. İngilizce ama. Kesin çok güzel. He say I salam to all of the, you know, my subscribers. Yeah, this is the, you know, like how can I say, different kısım say, you know, masalas or green teas. Like for example, this is one, you know, flower, dry flower hai. Bahut hi, you know, healthy teas hai. These are, you know, different kısım ka delights hoti hai idhar. बहुत अच्छी शॉप्स है ऑलरेडी ये ग्रैंड बाजार में बस अपने इधर आकर ऐसे ही शॉप्स आपको नजर आएगा छोटे शुक्रलाश नाउ ही इज मेकिंग टर्किश कॉफी हनी एंड टर्किश कॉफी अंदर रखती है बस इस आग के ऊपर ये टर्किश कॉफी बना देती है अगर आप लोग चाहती है विद चीनी आप लोग खा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमको चीनी नहीं चाहिए विदाउट शुगर आप लोग भी ये यूज कर सकते हैं आदम नेरे एक्चुअली टर्किश कॉफी के लिए अरे इचेरे मे गिरियोसन अंदर से थोड़ा सा बॉईल होने चाहिए इतना ज्यादा भी नहीं पर थोड़ा सा इसको बॉईल होना चाहिए अभी अजान भी शुरू हो गया है बिल्कुल सामने गलता टावर यू नो दिस एरिया हैज जस्ट गॉट माय हार्ट आई लव दिस एरिया एंड माय टर्किश कॉफी इज गेटिंग रेडी एंड दिस इज द फिश ब्रेड खाने के लिए हमने आया बहुत बहुत ही अच्छा है अभी वायरस की वजह से बैठने की जगह नहीं है बट वायरस के पहले इधर ही अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जगह था इट्स रिली सो गुड यहाँ बैठ के खाने देते हैं नहीं बैठ के नहीं बैठ के नहीं सफ़र शुरू हो गया है आप लोगों ने अमीन यूनिस से किदार में फेरी मिल सकती है अगर आप लोगों के पास इस्तांबुल कार्ड है उसका प्राइस 3.5 तुर्किश लिरा का है और आप लोग फेरी ले सकती है बिल्कुल सामने गलता टावर है तकसीम में भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है अभी हमने फेरी पर किदार जा रही है थोड़ा सा आप लोगों का फेरी भी दिखा देती हूँ ऊपर बैठने के लिए भी जगह है नीचे बैठने के लिए भी जगह है क्लोज एरिया और ओपन एरिया बिल्कुल सामने भी यूरोप और एशिया की कनेक्ट करते ब्रिज है ना वही ब्रिज है बहुत ही खूबसूरत लगती है अभी I wish that you all are should be here and see the, this view. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Actually ye feri mein sometimes you know street singer hai. Wo log bhi aati hai. Ye gana meri favorite gana tha. Unhone bahut acha sing kiya hai. Abhi humne iskidar aaya and this is iskidar maidan hai. Aur this is our second place.
we are just I'm just gonna show the areas and Iskender Mosque. सस्ता यूट्यूबर आप भी आ जाए. अभी ये हमारी फेरी था, हम इधर तक आया. Now we are just going to Iskender Maidan. हाँ हम है यू Iskender Maidan में तो. Iskender एक्चुअली इस्तांबुल का एशिया साइट है और अभी तक बहुत काफ़ी यू नो रश है. भी मैंने आप लोगों को दिखाया था एमिनोनी में भी काफ़ी ज़्यादा लोग फिशिंग करती हैं, इधर भी लोग बहुत ज़्यादा फिशिंग करती हैं. एंड इट्स दिस इज़ द Iskender Mosque. यार दीज एरियाज यू नो सो गुड. आप लोगों ने इधर आकर यू नो बस इधर ही ट्रेवल करनी है. बहुत ज़्यादा सुकून जगह है. एक्चुअली मैंने भी अभी एक स्मिथ खरीद लिया ये बर्ड के लिए, ना कि मेरी दोस्त खा लिया क्योंकि वो भी एक जानवर है. आ जाए ना, मैं भी कोशिश करूँगी. कोई भी नहीं आना अभी. कोई भी नहीं आएगा. ब्रज ब्रज दहा हाँ हाँ ब्रज दहा हुआ यार. यूक्सक भी शक्ल है ओ कदर भी हो गया अब ना से आदर ये मस कुछ कुछ चला रहा है. आहा यकला दे हिस्टोरिकल प्लेस है. मैंने आप लोगों को वही भी दिखाना है. इसका एक स्टोरी भी है, मैं अभी उधर जाकर उसका स्टोरी की बड़ी में भी आप लोगों को बता देती हूँ. ये मेडन थावर्स का स्टोरी क्या है, ये मेडन थावर्स क्यों समंदर के बीच में है और आप लोग उधर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं. मैंने आप लोगों को इसकी बारे में अभी इंफॉर्मेशन भी दे देती हूँ. एंड दिस इज़ मेडन थावर्स. एक्चुअली मेडन थावर्स बिल्कुल समंदर के बीच में है एंड इसका एक स्टोरी भी है. मैं इसका स्टोरी की बड़ी में आप लोगों का एक छोटी सी स्टोरी मैं बता देती हूँ. दिस इज़ अ मिथ एंड दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी. ठीक है, एक्चुअली पहले ज़मान में एक बादशाह था और बादशाह का एक बेबी गर्ल हो गया. फिर उन्होंने कहा कि हम ये बेबी गर्ल मरेंगे एंड हम वो बेबी गर्ल का जादू करेंगे. फिर बादशाह भी उसका बेबी का सारी लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल समंदर के बीच में एक थावर बनाया और बेबी इधर ही रखाया. फिर किसी की समंदर क्रॉस करके नहीं आ सकते कि और बेबी को कोई भी यू नो बुरा चीज़ ना होगा. लेकिन बाद में क्या हो गया है, किसने ये समंदर क्रॉस करके उसका बेबी गर्ल को कत्ल करवाया. एक्चुअली दिस इज़ अ मीथ, दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, बट हम बचपन से ऐसे ही सुना है कि इसका स्टोरी यही है. और अभी तो बंद है लेकिन समर्स में इधर फेरी होती है, उधर जाकर डिनर कर सकती है और विजिट भी आप लोग कर सकती है. इसका बहुत ही खूबसूरत है, जगह भी बहुत अच्छा है और इसका स्टोरी भी बहुत अच्छा है, इसको एरिया भी बहुत अच्छा है. मुझे नहीं पता आप लोगों का नज़र आता है लेकिन इधर से गलत था और ब्लू मॉस्क सारी यू नो बिग मस्जिद नज़र आता है. ये भी हमारी सेकंड एरिया है Iskender में, बहुत अच्छा जगह है. ये आप लोगों के समंदर बहुत अच्छा लगते हैं, इफ़ यू वांट टू सी द यू नो सी और हिस्टोरिकल प्लेसेस आई प्रेफर टू यू गाइस टू कम टू Iskender. और बहुत अच्छा है, बिल्कुल यू नो बहुत पीसफुल जगह है. वन मोर थिंग, Iskender एरिया आशी एरिया यूरोप एरिया से काफ़ी ज़्यादा यू नो चीप है. अगर आप लोगों ने रहना भी चाहती है आप Iskender में भी रह सकती है इन एशिया साइड, क्योंकि Iskender में बहुत ज़्यादा फेरी मेट्रोबस मरमराई ट्रेन आप लोगों का मिलेगा यूरोप साइड में क्रॉस करने के लिए. इसलिए यू कैन कम टू Iskender ऑल्सो एंड आई लव दिस प्लेस. इफ़ यू आर कपल यू कैन कम हियर. व्यू इज सो गुड, एरिया इज सो गुड. सो यू नो इतना रश भी नहीं है, क्राउडेड भी नहीं है एंड this place just has my heart. Now we are just going to our third place, the where you can visit and you can travel in Turkey.
अभी हमने किधर आया, ओर्ताköy में आया. ओर्ताköy एक्चुअली बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि बेशिकताश और तकसिमपीर बहुत ही नज़दीक है. इधर ही का एक ही चीज़ मशहूर है, वो भी कुम्पीर है. अभी इतना ज़्यादा लोग कंपटीशन करते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा है. मैं आपको दिखा देती हूँ कुम्पीर एग्जैक्टली क्या होती है, आप लोग भी देख लें. और इनका फेमस फूड और फेमस सीरिया मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. एक्चुअली कुम्पीर वो होती है आलू के अंदर, वो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती है. आवाज़ देख ले, वो लोग बुलाते हैं आप आ जाए, नहीं इधर आ जाए, मुझसे खा ले, ये खा ले. मैं अभी ये जगह आपको दिखा देती हूँ. एक्चुअली ये ओर्ताköy मैदान है, बिल्कुल मैदान है. इधर बहुत ज़्यादा नाश्ते के लिए कैफेज़ होती है. अभी तो वायरस की वजह से ये सारी कैफे बंद है, लेकिन अभी तक ओपन है, लेकिन टेक अवे है. बिल्कुल समंदर के साथ आप लोग नाश्ता कर सकता था. अभी भी यू नो वेदर आज तो बहुत ही अच्छा है, और ये मॉस्क भी बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत. अभी तो इधर फिलहाल बहुत ज़्यादा यू नो लोग भी है. जस्ट दे आर कमिंग टू हियर टू सी दिस मॉस्क. ये ओर्ताköy बिल्कुल बोस्फोरस ब्रिज के सामने है. एंड इट्स जस्ट अगेन आई एम सेइंग कनेक्टिंग यूरोप. ये यूरोप साइड है एंड दैट वन इज एशिया साइड. बहुत ही ज़्यादा फॉरेनर्स है. इस एरिया की एक ही फेमस जगह है, वो भी ओर्ताköy मॉस्क. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है. एंड इट्स बहुत यू नो ओल्ड ओल्ड की मॉस्क है. And mostly people just are coming here to eat kumpir, waffle, and to see this ओर्ताköy mosque. इधर फेरीज भी हैं, इधर से बेशिकताश पर और इधर से एमिनोनी पर फेरीज भी जाती हैं. ये स्ट्रीट ओर्ताköy में है. एंड यू नो बहुत ही खूबसूरत जगह है. इट्स रिलीजियस फॉर द यू नो टूरिस्ट के लिए. एंड इधर एक रास्ता है, वो भी बहुत ही मशहूर है. उसका नाम भी कुम्पीर है. कुम्पीर भी आलू के अंदर ऐसे आप वेराइटीज़ रख देती है ना, इट्स काइंड ऑफ आलू के अंदर चीज़ होती है, कॉर्न्स होती है, मटन, आलू मटर गोभी, हाँ मटर रख देती है. और यू नो यार मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही फेमस. पीछे सोरेबिलर में शुन भी गया सोरेबिलर में. एक्चुअली कुम्पीर ये होती है. इस आलू के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ है. थेशेक्यूलर. नाउ लेट्स गो टू सी हाउ दे आर मेकिंग दिस कुम्पीर. आलू के अंदर इन्होंने मैश कर देती है, फिर चीज़ रख देती है. एंड इधर वेराइटीज़ है, चीज़ है, मटर है, और ये अचार है, तुर्की अचार, कॉर्न. इधर सॉसेजेस होती हैं, ओलिव सॉसेजेस. इसके अंदर कौन सा वाला आपने रखना चाहती है वही रख सकती है. एंड दिस इज सो सो फेमस एंड सो टेस्टी. Düşünmezler ki. Afiyet olsun. Küfet. Ya. And इस street बस ये ऐसे कुम्पीर वाला street है. एंड बहुत ज़्यादा competition भी होती है. एंड ये भी waffle का जगह है. इधर different different chocolates और fruit आप इसके अंदर रख कर खा सकती हैं. हाँ थैंक यू.
Türkiye. Yok abi sen böyle güzel konuşmuşsun şey yapıyorsun. Yani. Usko hamşer diye vurdun. Nereden geliyorsun abi? Erzurum. Erzurumluyum. Ben Horasan. Ben de Horasan. Horasan hangi şey Horasan? Eğertaş. Ha bu da Horasan, o da Horasan. Ha? Horasan'a kim? Ertaş. Eğertaş. Aşağı Eğertaş. Cerasun. Ekri ye bandı mı meri? Aşağı Ay teşekkürler. एक्चुअली मैं असल असली में एर्जरूम से हूँ ना, मैं उर्दू से बात कर रहा तो उनको समझ आएगा कि मैं फॉरेनर्स हूँ। फिर उसने मुझे ये कहा, ये दिया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से, मैं कहा मैं तुर्कीश हूँ। ये लोग बहुत ज़्यादा शौक हो गया। अभी मैंने आप लोगों को ओटकेई मॉस्क में, ओटकेई मैदान में एक मॉस्क है वही दिखा देती हूँ। लेट्स गो। I just end up with my video here. पहले हमने एमिनुनु विजिट किया, second we went to इस्कुदार and our third place was Ortaköy. अगर आप लोगों ने तुर्की में आना है, तुर्की में अच्छी विजिट करनी है और अच्छी जगह देखना चाहती हैं, आप लोग दिस थ्री places में आ सकती हैं and आप लोगों की वजह से, ये video की वजह से मैंने दोबारा सीरियाज विजिट किया और मैंने समर्स में मेरी मियाँ के साथ विज़िट किया था, लेकिन विंटर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों ने तुर्की आना चाहता है, नियर टू दिसंबर और नवंबर भी आ जाए तो वेदर बहुत ही अच्छा होती है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़। आप सब लोग ख्याल रखना।